Good morning everyone. Today I am going to discuss about application of derivatives, exercise 6.1. Question number 1. Find the rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r equal to 3. Find the rate of change of the area of the circle. We know that area of the circle A equal pi r square. ठीक है, we know that area of the circle A equal pi r square. हाँ, देखिए इसमें हमें जो निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो डी डी आर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 पाई आर. ठीक है, अब इसमें हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट r इक्वल 3 दिया हुआ है, तो यहां r इक्वल 3 लगा देंगे या आप इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख करके r इक्वल 3 करेंगे 2 पाई इनटू 3, तो ये आएगा 6 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ऐसे ही सेकेंड में निकालेंगे डी डी आर ऑफ ए आर इक्वल 4, तो इसमें हो जाएगा 2 पाई इंटू 4, आंसर आएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. This is the complete solution of question number 1. Second question is the volume of a cube. Volume of a cube, तो इसमें आप लेंगे, देखिए इसमें दिया हुआ है कि the volume of a cube increasing at the rate of 8 cm cube per second. How fast is the surface area? Surface area की बात कर रहा है. Increasing when the length of an edge is 12 cm. तो हमें पहली बात तो इसका length of the side लेना पड़ेगा. Let x be the length of ये length let x be the length of या side of cube, side of ये cube. ठीक है, तो volume ये हो जाएगा x power 3. volume equal क्या होता है, side, we know that वॉल्यूम इक्वल साइड टू. ठीक है, तो v इक्वल x पावर 3, इसका वॉल्यूम हो जाएगा
और यहां पर गिवन है, गिवन है जैसे डी ड्यूटी ऑफ वी इक्वल 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट, तो 3x² डीवीटी ऑफ एक्स। अब यहां पर हम देखिए 8 ये क्या है, ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, ठीक है, तो इस वैल्यू को यहां रख देंगे 8 = 3x² डीवीटी ऑफ एक्स, और डीवीटी टी ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 8/3x², ठीक है। अब इसके बाद सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो सरफेस एरिया जो है आपका होता है 6x², तो डी डी टी ऑफ एक्स ये हो जाएगा 12x और डी डी टी ऑफ एक्स। अब यहां 12x और इसकी वैल्यू हमें मिल रही है 8/3x², 8/3x², तो यहां से x कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3 से इसको काट देंगे 4 आ जाएगा, तो 32/x 8/4 = 32/x एंड पुट x इक्वल दिया हुआ है x इक्वल 12, तो 12 आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 32/12, 4 से काट देंगे 8/3 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये मिल जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। दिस इज द राइट आंसर। इसमें देखिए वॉल्यूम आपको साइड नहीं मालूम है, एक क्यूब है तो क्यूब में, ठीक है, एक क्यूब है तो 6 साइड होगा और एक्स इसकी लेंथ हो गई, इस साइड इक्वल होगा तो वॉल्यूम हो गया, इसका डेरिवेटिव हमने कर दिया और ये वैल्यू ये गिवन है, ये आपका गिवन है 8, तो 8 यहां रख देंगे और डीडीटी ऑफ एक्स निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको सरफेस एरिया का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टी और इसमें यूज कर देंगे और आप देख रहे हैं इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन 8/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 cm/s। रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो देखिए डी डी टी ऑफ आर इक्वल 3 cm/s दिया हुआ, फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज इतना, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल ए इक्वल पाई आर स्क्वायर, डीडीटी ऑफ ए इक्वल 2 पाई आर
टू पाई, टू पाई आर डी आर डीवीटी ऑफ आर, और इसकी वैल्यू है थ्री, तो ये हो जाएगा सिक्स पाई। देखिए इसमें यहां इसकी वैल्यू रखेंगे थ्री, तो सिक्स पाई आर, और आर की वैल्यू है यह कुछ आर इक्वल है 10 सेंटीमीटर, तो डी 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 ऑफ ए इक्वल सिक्स पाई टू 10, ये हो जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे ए क्या आपको होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका डेरिवेटिव करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी, और डी डी टी ऑफ आर इक्वल 3 सेंटीमीटर ये गिवन है, क्या है गिवन है, और इस वैल्यू को यहां रख देंगे, फिर आर आर भी गिवन है एंड आर इक्वल 10 सेंटीमीटर ये भी गिवन है, तो आर की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, तो इस तरह से हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पार्ट में साल आता है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए इसमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है v इक्वल x पावर ऑफ 3, देखिए इसमें v इक्वल x पावर 3, लेट x बी द साइड ऑफ ये q, लेट x बी द साइड ऑफ q, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हो गया, और इसमें दिया है डी डी टी ऑफ x इक्वल 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। ठीक है, तो यहां से डी डी टी ऑफ v निकालेंगे 3x स्क्वायर डी डी टी ऑफ x, और 3x स्क्वायर यहां पर आप 3 वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और आगे दे रखा है एज, सिंस x इक्वल 10 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 9 इंटू 10 स्क्वायर ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइव में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ए स्टोन इज ड्रॉप इन टू ए क्वाइट लेक, एक स्टोन है और उसको शांत झील में फेंका जाता है, ए स्टोन इज ड्रॉप इन टू ए क्वाइट लेक एंड बेब्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो स्पीड पहली बात तो
सर्कल एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम दे रखा है डी आर बाई डी टी, स्पीड दे रखा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको हम जब डेरिवेटिव करेंगे तो 2 पाई आर और डी डी टी ऑफ आर। अब इसमें रेडियस रेडियस दे रखा है आर इक्वल 8 सेंटीमीटर, आर इक्वल 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इन इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। हाँ तो देखिए इसमें 2 पाई आर, आर है 8 और इसकी वैल्यू है 5, तो 5 टू गेट 10 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस रेट से एरिया उसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब उसमें देखिए लेक है और लेक के अंदर जब कोई स्टोन फेंकते हैं तो इस तरह से बहुत सारे सर्कल्स बनते रहते हैं, ठीक है। और बनने के बाद इस तरह से एरिया कैसे इंक्रीज होगा, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये इंक्रीज होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था और ये आज 5 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में और बाकी क्वेश्चंस कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।